हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने साथ है बजाज की तरफ से वाली NS 400Z, द बिगेस्ट पल्सर एवर। मतलब अभी तक की सबसे बड़ी पल्सर ये रहने वाली है NS 400। बहुत लोग डिमांड में इसकी वीडियो कर रहे थे कि भाई इसकी लाओ 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 लाओ। मैंने कहा चलो एक राइड रिव्यू भी कह लो, राइड रिव्यू तो प्रॉपर किसी दिन मैं सिटी में बताऊँगा, अभी तो मैं हाईवे पर हूँ। सोचा थोड़ा सा इसका गियर चैलेंज और क्या क्या एक मेरे को फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है इस गाड़ी से रिलेटेड, वो चीज़ें देखेंगे। पावर परफॉर्मेंस पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगा कि एक्चुअल में चलाने में कैसी है, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं चलाया। सीरियसली बहुत देर से मैं बैठा था, मैं वेट कर रहा था कब सब लोग उठ के चलें तब मैं इस गाड़ी को आराम से अपने अकेले चला पाऊँ। और वैसे नित्तू मेरे साथ बैठेगा तो पिलियन का भी थोड़ा एक्सपीरियंस दे दूंगा। दिखने में भाई हूबहू ये जो पैनल है ना, ये थोड़े से यहाँ से कर्व है, वरना पीछे से तो पूरी NS 200 वाला फील दे रही है, साइड से नहीं लगती है NS 200 की तरह। और फ्रंट से तो भाई कोई कहेगा ही नहीं कि ये NS 200 है, बहुत अच्छी लगती है NS 400। इसका साउंड बहुत बेहतरीन है, मैं आपको साउंड सुनाता हूँ पहले। ये देखो थोड़ा सा रेस देनी पड़ती है इसमें, अच्छी खासी साउंड है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो भाई NS 200 की तरह मत समझना, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। और ये जो मोड़ है ना बटन के, ये स्विचेस, सीरियसली भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। मीटर में मेरा दिल आ गया, ये वीडियो में थोड़ा सा बेसिक लग रहा था जब ये लॉन्च हुई थी ना, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल सी है, बट आप सामने से देखोगे ना तो डेफिनेटली आपका जो मन है वो उस पर आ सकता है। और नित्तू बोल रहा चलो बैठाते हैं और चलते हैं फटाफट, इस गाड़ी का थोड़ा अनुभव लेते हैं कैसी है, अभी कौन से मोड पर और स्पोर्ट्स मोड पर है। वो आ गया नित्तू, मेरे पैर अभी तो आराम से 807 mm की है। चलो ये बैठ गया नित्तू, मेरे पैर और ज़्यादा आ गए, 5.5 feet मेरी हाइट है। चलो चलो जी, हालांकि इसके अंदर जो इंजन है वो डोमिनार वाला है या एक्स ड्यूक 390 जो थी वो वाला इंजन है, बट उसके जैसा जर्क नहीं है इसमें। जैसे ड्यूक 390 में जो जर्क था ना, उठने में थोड़ी सी दिक्कत करती थी, वो नहीं है इसमें, बड़े प्यार से उठ गई बड़ी। और देखो स्लीपर क्लच है, बहुत अच्छे से ये चल रहा है। थोड़ा सा मैं भगाता हूँ इसको, हॉर्न तो बहुत बुरा है इसका। तीसरा गियर कितना जाता है इसका, चौथा गियर इसका जा रहा है, पावर तो भाई बहुत फेंक रही है, कसम से बहुत फेंक रही है। ये देखो फोर्थ गियर में हूं मैं, 70-80 की स्पीड में हूं मैं और विद पिलियन, ये भी नहीं कि मैं पिलियन के साथ हूं। पावर रिस्पांस गाड़ी का बहुत अच्छा है, हैंडलिंग तो मुझे यार सेम NS जैसी लग रही है, बट जो हैंडल बार है ना वो NS जैसा नहीं है। NS में देखो वो छोटे छोटे क्लिप ऑन आते हैं ना, वो इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर वो डोमिनार टाइप का या ड्यूक 390 टाइप का हैंडल कह सकते हो वो है। और इसके अंदर मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ कि इसके अंदर ना नॉर्मल वायर नहीं आता, और ये रेप वायर रेस वाला, इसके अंदर आती है राइड बाय थ्रॉटल, सेंसर बेस काम करता है। देखो आधे सेकेंड का भी गैप नहीं है, आराम से निकलती गाड़ी अपनी। चलो वो निकली ड्यूक 390 अपनी, और चलो मैं पिलियन के साथ एक बार ना गियर चैलेंज कर लेता हूँ कि एक्चुअल में ये जाती कितना कितना है, तो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। बेटर है, पकड़ लियो पकड़ लियो, तो निकाल ली क्या? नहीं नहीं रहने दे, चलो चलो चलो। नित्तू ने मुझे पकड़ लिया थ्री, और बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च करूँगा, नॉर्मल करूँगा। रुक जाओ यहाँ से करता हूँ, सॉरी वो बाइक निकल गई। चलो 3, 2, 1, पहला गियर कितना गया, 56, दूसरा 82, तीसरा 107। आवाज के लिए सॉरी भाई, माइक में दिक्कत हो रही है। फोर्थ गियर जा रहा है हमारा 134, यहाँ पे नॉर्मल क्योंकि बम्स आ गए। पांचवा गियर जा रहा है हमारा, कितना जा रहा है पांचवा गियर, 150 पार जाएगा। छठा गियर मैंने मार दिया,
बहुत सही कॉन्फिडेंस आ रहा भाई, बहुत सही कॉन्फिडेंस। मिरर को थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी रियलाइज़ हुई कि इसके जो सस्पेंशन है ना भाई, उसको NS200 और N250 जैसे मत समझना, बहुत बेहतरीन सस्पेंशन है इस गाड़ी के। कसम से मेरे को पूरा ड्यूक वाला कॉन्फिडेंस आ रहा है इसके ऊपर। हालांकि इसके अच्छे खासे मोटे चौड़े चौड़े USD सस्पेंशन है, बहुत सही, सीरियसली बहुत सही। और हम दो लोग बैठे, अच्छा खासा स्पेसियस जगह भी यहाँ पे बच रही है, क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और ये पावर रिस्पॉन्स ना बहुत सही है। देखो 6 गियर है ये देखो, और RPM का जो बैंड है ना, ये पूरा 10,500-11,000 तक जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जाते हुए भी, और एक्चुअल में ना अच्छा खासा डिस्टेंस ले लेके जा रही है, जिसकी वजह से आई थिंक इसकी टॉप स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। नित्तू मेरे साथ है, मेरे साथ पिलियन है, वरना मैं टेस्ट ड्राइव को जो है पूरा का पूरा एक्सप्लोर करता। वो देखो ये रहा, और मीटर में देखो, अभी मैं तो स्पोर्ट्स मोड पे चला रहा हूँ, इस रोड पे तो स्पोर्ट्स मोड पे चलाओ, रेन होता तो मैं रेन पे लगा के दिखाता। इको मोड पे चलाने का कोई वो नहीं है, पर मैंने चलाया है नॉर्मल में, इसको फ़र्क पड़ता है भाई, एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। अगर आप इको मोड पे चलाओगे ना तो पावर परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। चार्जिंग के लिए यहाँ पे आपको केबल भी मिलेगा, ये देखो ये रहा। और मैं क्रूज़ कर रहा हूँ भाई, क्रूजिंग पे तो अगर ये 5,000-6,000 RPM से नीचे है ना, तो 1% वाइब्रेशन नहीं आ रही इसमें। बट जैसे ही मैं गियर डाउन करा, अब कितने ज़्यादा RPM पे वाइब्रेशन है वो मैं देख लेता हूँ एक बार। 5,500-6,000 7,000 RPM पे, 7,000 RPM पे वाइब्रेशन है, थोड़ी बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट 7,500 या 8,000 से जब ऊपर जाओगे ना, तो आपको अच्छी खासी वाइब्रेशन मिलेगी, क्योंकि भाई इंजन तो डोमिनार वाला ही है ना, है तो ड्यूक वाला इंजन, तो थोड़ी बहुत तो आपको देखना पड़ेगा ना। बाकी एक बार मैं पीछे देखता हूँ, कोई आ तो नहीं था, पूरा खाली रोड रहता है, बंद रहता है। एक बार ब्रेकिंग चेक करता हूँ मैं 60 की स्पीड में, थोड़ा सा मैं लेके रुक रही है, मे बी पिलियन में साथ है, आगे रुकता हूँ एक बार। कोई तो नहीं आ रहा पीछे, कोई नहीं आ रहा। ये मतलब ओके ओके ही है भाई, मैं सच बताऊँ अगर इसकी CC से अगर मैं डिवाइड करूँ ना, डिवाइड इट मीन्स कि कंपेयर करूँ अगर, कि जो इसके CC की गाड़ियाँ हैं, जो इसके आसपास की सेगमेंट की बाइक हैं, उनकी ब्रेकिंग इससे ज़्यादा अच्छी है, नो डाउट। आप चलाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ब्रेकिंग पे थोड़ा सा और काम होना चाहिए था, या तो अगर आप इसमें ब्रेम्बो की ब्रेकिंग लगवा लोगे तो आपकी ब्रेकिंग और अच्छी हो जाएगी। बट ये ओके ओके है, 60-70-80 की स्पीड तक ठीक है। अगर आप 70-80 से ऊपर चलाने वाले बंदे हो और एकदम पैनिक हार्ड एंड फास्ट चलाने वाले बंदे हो, तो आपको तो भैया इसके अंदर ब्रेमिका के ब्रेक पैड डलवाने पड़ेंगे, और टायर तो थोड़ा सा अपग्रेड करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी जैसे मैं हाईवे के ऊपर चढ़ा था ना, तो नीचे थोड़ा सा ऑफ रोड वाला पैच आया था, तो उस कंडीशन में मुझे एक बार ऐसा लगा कि टायर को थोड़ा सा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो वो शायद कंपनी चेंज कर ले। और होप सो भाई, ओवरऑल गाड़ी एप्रिलिया गाड़ी प्राइस को बहुत डिफाइन करती है। सही भैया, NS400 की बात, तो भाई डेफिनेटली बहुत फन टू राइड ये गाड़ी है। पावर में आपको 1% भी ऐसा फील नहीं होगा कि इस गाड़ी के अंदर पावर का थोड़ा सा भी लैग है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आ रही है ना, 2,30,000 रुपये की ऑन रोड पड़ रही है, अब R15 से भी सस्ती पड़ रही है। ये सोच लो आज के टाइम पे R15 2,30,000 या 40,000 रुपये की है, तो देख लेना भैया। NS400 आपको लगेगी तो NS200 जैसी फोटो में, बट सामने से आप देखोगे ना तो आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये DRL बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत ज़्यादा शानदार है। और चलो भाई, इस ब्लॉग को तो यहीं पे ऐड करते हैं, बाकी डिटेल में राइड रिव्यू मैं किसी दिन जब सिटी में चलाऊंगा ना, तो आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेके आऊँगा। और टॉप एंड भी हो सके तो यार मैं करता नहीं, होप ट्राई हुआ तो मैं कभी करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।